तीर्थ बटेश्वर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर जोरों से चल रही तैयारियां। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बटेश्वर में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण एवं 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री दौरे को लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विधायक बहा पक्षलिका, पूर्व मंत्री आरिदमन सिंह ने तैयारी का लिया जायजा। मंडलायुक्त आगरा ऋतु माहेश्वरी, डीएम आगरा चंद्र भानु चंद्र गोस्वामी एवं पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने अधीनस्थों के साथ तैयारियों को लेकर किया निरीक्षण। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर की बैठक और दी प्रेस वार्ता में जानकारी। देखिए, भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल जी का 25 दिसंबर को जन्मदिन है और ये हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के बटेश्वर उनकी जन्मस्थली है। 25 दिसंबर को आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनकी जन्मस्थली पर पधारकर उनकी विशाल काय मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति विभाग के द्वारा तमाम जो योजनाएं यहाँ की विकास के लिए, पर्यटन विकास के लिए, यहाँ की सुंदरता के लिए उन आदरणीय अटल जी की यादगार में जो स्वीकृत हैं, जो योजना पूर्ण हो चुकी हैं उनका लोकार्पण और जो योजनाएं नई स्वीकृत हुई हैं उन सबका शिलान्यास करने का काम करेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये सौभाग्य है हम सबका कि आदरणीय अटल जी की इस पुण्य भूमि से उत्तर प्रदेश की हेलीपोर्ट के माध्यम से हवाई सेवाएं यात्रियों को, पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को देने की शुरुआत जनपद आगरा की धरती से आदरणीय अटल जी की इस जन्म स्थली से शुरू हो रही है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो उस दिन हम दो डेस्टिनेशन, हेलीपोर्ट मथुरा जो गोवर्धन की परिक्रमा के साथ साथ तमाम डेस्टिनेशन को कवर करेगा और एक जनपद आगरा में हेलीपोर्ट सर्विस, दो हेलीकॉप्टर से उनकी सर्विस की शुरुआत भी उस दिन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि उसी दिन लोगों का जिस तरीके से लगाव, आत्मीय भाव, उत्साह, जोश देखने को मिल रहा है तो एक बहुत बृहद जनसभा का आयोजन भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में होगा जिसको संबोधित करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये सब कार्यक्रम है और इसके लिए हम सब लोग यहाँ माननीय हमारे विधायक बाब, विधायक फतेहाबाद, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी और कमिश्नर साहब, डीएम साहब, यहाँ के पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में सभी प्रशासनिक तैयारियों के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं ताकि चाक चौबंद व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, जो भी यहाँ जनसभा में लोग आए उनको कोई असुविधा ना हो, लोगों को सुचारू रूप से माननीय मुख्यमंत्री को सुनने का अवसर मिले और सारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके, ये इसके लिए हम सब लोग बैठे हैं। कितनी जनसंख्या में लोगों की पहुंचने की अपील संभावना जताई? हजारों की तादाद में जन सैलाब यहाँ आएगा। मैं समझता हूँ कि फील्ड छोटा पड़ेगा, जो जोश उत्साह दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से माननीय जनप्रतिनिधियों के, माननीय विधायकों के, हमारे संगठन के द्वारा और आम जनमानस का जो जुड़ाव दिखाई पड़ रहा है उससे उत्साह को देखते हुए हमें लगता है कि फील्ड छोटे पड़ेंगे, अपार भीड़ का जन सैलाब इस कार्यक्रम में सहभागिता करेगा। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।